अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेरे साथ, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद फौजी। आज की वीडियो बनाई गई है कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में हलाकतें हुई हैं। आपने एक तरफ देखा है कि फ़लस्तीन में बहुत ही ज़्यादा हलाकतें बढ़ती जा रही हैं और जो कि इसराइली फोर्सेस हैं वो दिन रात बम ब्लास्ट और धमाके इस तरह करके वो हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो दूसरी जानब अगर एक ये गम की बात है तो दूसरी जानब एक खुशी की बात ये है कि हमास ने आज 23 जनवरी 2024 को दावा बोला है इसराइली फोर्सेस पर और इसमें तकरीबन 30 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं और अब तक तकरीबन 1,240 इसराइली फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि हमारे जो हमास के जो मुजाहिद हैं उनके पास इतना ज़्यादा असला, इतनी मकदार में बॉम्ब, ये वो इस तरह के मवाद नहीं है, लेकिन फिर भी वो भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी आलमी ताकतें हैं वो मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। और इंशाल्लाह जीत जो है वो मुसलमानों की होगी और हक़ की जीत होगी। और दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की हिफाजत फरमाए। आमीन। सो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अस्सलामु अलैकुम।